Hallelujah. Hallelujah, church. Church. Hallelujah. खुदावन के घर में हैं हम और खुदावन के नाम को जलाल देने को हैं। लास्ट मंथ मैंने काफ़ी ट्रैवलिंग की और काफ़ी मैं डिफरेंट सिटीज़ में गया और खुदा के लोगों से और खुदा के खादमुद्दीन से मिलने का मौका मिला, तो मैं चर्च को बड़ा मिस कर रहा था। तो मुझे पादरी साहब याद आ रहे थे कि पादरी असमत साहब इस मामले में बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, वो अपनी कलीसिया को नहीं छोड़ते। लेकिन मैं भी कलीसिया से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन खुदा ने जो खिदमत दी है उसके लिए ट्रैवलिंग ज़रूरी है। और मैं ट्रैवल करता रहा, डिफरेंट सिटीज़ में गया, डिफरेंट लोगों से मिला और खुदा की बात उनसे शेयर करने को मिली और खुदा रोज़ बरोज़ काम कर रहा है। और आज जो मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि खुदा आपके लिए भी काम करना चाहता है और खुदा आपको बनाना चाहता है, खुदा आपको संवारना चाहता है। इस सर्मन को जब मैं पढ़ रहा था और इसके ऊपर स्टडी कर रहा था, तो इस साल के आखिर में हम इस साल के आखिर में हैं, हम क्रिसमस भी सेलिब्रेट करने को हैं और हमारा ध्यान एंड ऑफ ईयर के ऊपर नहीं, और सबसे ध्यान ज़्यादा किसके ऊपर है जी? साल के एंड पे सबसे पहले, सब तो पहले किरत ध्यान जा रहा है, वड्डे दिन दे उत्ते, वड्डा दिन ते वड्डी खुशियाँ। सो वी आर फोकस ऑन क्रिसमस, हमारा ध्यान सारा क्रिसमस के ऊपर है और ये साल भी ख़त्म होने वाला है, हमारी ज़िंदगी से ये साल भी ख़त्म हो जाएगा और एक नया साल आने वाला है। क्या हमने उसके लिए तैयारी की है? और आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे योर ब्रेक थ्रू, आपके ब्रेक थ्रू के ऊपर बात होगी। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी जगहों पे ब्रेक्स लगी हुई हैं, हमारी ज़िंदगियां बहुत सारी जगहों पे रुकी हुई हैं। हम अपनी ज़िंदगी के बारे में देखेंगे और मैं जब योर ब्रेक थ्रू के बारे में सोच रहा था, तसव्वुर कर रहा था कि ये क्या हो सकता है, और इसका जो इसकी ट्रांसलेशन है इन उर्दू जो है वो है, मुश्किलात और रुकावटों के बावजूद आप कामयाबी हासिल करें। आपकी ज़िंदगी में मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, लेकिन एक बात सच्ची और बरहक है कि आप कामयाब होंगे। क्या आप कह सकते हैं आमेन? आमेन। मुश्किलें, परेशानियां, नाकामियां आपका कुछ भी नहीं कर सकती। योर ब्रेक थ्रू विल कम इन योर लाइफ। जो ब्रेक थ्रू है वो आपकी जिंदगी में आएगा और आपकी जिंदगी आगे बढ़ेगी। हम क्या है अपने ब्रेक थ्रू की तरफ, हम उसकी तरफ देखते नहीं और हमारी जिंदगी कहीं ना कहीं रुकी हुई है, हमारी जिंदगी कहीं ना कहीं किसी शख्स के ऊपर लगी हुई है, हमारी जिंदगी कहीं ना कहीं हम किसी के वजह से रुके हुए हैं। चर्च, आज सुबह मैं आपको ये कहूंगा, आप किसी की तरफ ना देखें बल्कि आप यीशु की तरफ देखना शुरू करें, ब्रेक थ्रू आपकी जिंदगी में आ जाएगा, कामयाबी आपकी जिंदगी में आ जाएगी, कामरानी आपकी जिंदगी में आ जाएगी और आपकी जिंदगी बाई से बरकत बन जाएगी। हम चलेंगे जबूर की किताब में, जबूर 30, साम 30 और उसकी वर्स देखेंगे 5, पांचवी आयत को देखेंगे। जल्दी से क्विकली निकाल लें और जो निकाल ले वो कहे मैंने निकाल लिया है, हाथ खड़ा कर सकता है और पढ़ दे। जबूर की किताब उसका जबूर 30 और उसकी पांचवी आयत।
क्योंकि उसका कहर जो है दम भर का है। उसके कहर की बात हो रही है और जबूर नवीस यहां बता रहा है उसका जो कहर है वो दम भर का है। चर्च, इस बात को अंडरस्टैंड करें कि उसका जो कहर है वो दम भर का है आपकी जिंदगी के लिए। जी, और उसका कर्म जो है वो उम्र भर का है। इसके लिए इंग्लिश में जो कर्म के लिए लव्स यूज किया गया है वो बड़ा खूबसूरत लव्स वहां यूज किया गया है, वो है फेवर। उसकी जो फेवर है वो उम्र भर आपके साथ रहेगी। जी, रात को शायद रोना पड़े पर सुबह को खुशी की नौबत आती है। यहां लिखा है उसका कहर। आप जब अपनी जिंदगी में मुश्किलों को, नाकामियों को, परेशानियों को, दुख को और रंज को, ऐसी चीजों को अपने जिंदगी में देखते हैं तो हम यही फील करते हैं, हमारी सोच यही होती है उसका कहर है हमारे पर और उसके कहर की वजह से ये सारी मुश्किलें, ये सारी परेशानियां, ये सारी तकलीफें मेरी जिंदगी में है। लेकिन खुदा का कलाम आपको बताता है उसका जो कर्म है वो उम्र भर का है। और उसका जब कर्म जो है, उसकी जब फेवर जो है वो उम्र भर आपके साथ साथ रहेगी। हम क्या करते हैं चर्च, हम सिर्फ उसके कहर को देखते रहते हैं। हम क्या करते हैं, अपनी मुश्किलों को, अपनी परेशानियों को हम देखते रहते हैं और इसकी वजह से हमारी जिंदगी में ब्रेक थ्रू नहीं आता। हमारी जिंदगी में सिर्फ ब्रेक लगी रहती है और उस ब्रेक की वजह से हम आगे नहीं जाते। मिसाल के तौर पर मैं साइकिलिंग कर रहा हूं, मैं साइकिल चला रहा हूं और साइकिल की मैंने ब्रेक लगा दी है तो साइकिल आगे पीछे जाएगी, साइकिल वहीं की वहीं रुक जाएगी। और हमारी जिंदगी का भी जो साइकिल है, जो चक्का है, जो पहिया है, वो हमने एक जगह पे ब्रेक लगा के रोक दिया है और हम उससे आगे जाते ही नहीं, हम उससे आगे देखते ही नहीं, हम उसके आगे सोचते ही नहीं और हम अपनी जिंदगी के अंदर ब्रेक लगा कर रखे हुए हैं। अपनी जिंदगियों में से ब्रेक को निकाल दें। अगर हम अपनी नाकामियों को देखते रहेंगे तो कभी भी कामयाबियां हमारी जिंदगी में नहीं आ सकती। इस बात को मेरी जिंदगी ने बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस किया है। बाज़कात हम अपनी नाकामियों के ऊपर, अपनी नलायकियों के ऊपर, अपनी उन सारी जो पुरानी बातें हैं उन्हें ही याद करते रहते हैं और अपने शौर के अंदर जाकर टाइटल शौर से जो माइंड का एक जो चौथा पोर्शन है उससे चीजें निकाल निकाल कर हम सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं, ओवरथिंकिंग करते रहते हैं। ओवरथिंकिंग करना मुझे बहुत पसंद है, सोचना बहुत पसंद है मुझे, मैं कुछ ना कुछ सोचता ही रहना वहां और मैं इस बात से बात का तंग आ जाता हूं कि यार बस बहुत सोच लिया है, कुछ थोड़ा सा ब्रेक लगाओ, लेकिन सोचता रहता हूं। और इसी तरह हमारी जिंदगी भी है, हम बहुत सारी चीजों में सोचते रहते हैं। मैं जो सोचता हूं वो मैं सोचता हूं कि आने वाले दिनों में हम कैसे बाइसे बरकत बन सकते हैं, आने वाले दिनों में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, हम किसके लिए और दूसरे लोगों के लिए कैसे बाइसे बरकत बन सकते हैं। अगर आपकी ओवरथिंकिंग जो है, आपका जो सोचना है, आपका सोचने का स्टाइल बदल जाता है तो आप बाइसे बरकत बन जाते हैं, आपकी जिंदगी के अंदर से मुश्किलें और परेशानियां निकल जाती हैं और आपकी जिंदगी
बाइस बरकत बन जाती है। आपकी जिंदगी में ब्रेक थ्रू तब तक नहीं आ सकता जब तक आपकी जिंदगी में लड़ाई नहीं होगी। और लड़ाई करने में, हाँ जी, असी नंबर वन हम बड़े जबरदस्त हैं, लेकिन इस बात को जब हम दाऊद की जिंदगी में देखते हैं, हम सैमुएल में चलेंगे, पहला सैमुएल, और जब मैं दाऊद की जिंदगी को देख रहा था, दाऊद की जिंदगी बड़ी जबरदस्त है। इससे पहले कि दाऊद जाति जूलियत से लड़ता, इसको बादशाहत के लिए मखसूस कर दिया गया है। और जब इसको बादशाह मखसूस कर दिया गया है, बादशाह मखसूस होने के बाद ये किधर चला गया है? ये वापस उसी काम पे चला गया है जो ये काम करता था। ये भेड़ बकरियां चलाता था, ये भेड़ बकरियां चराने चला गया है, और ये वहां जाके अपने काम को सरंजाम दे रहा है। और जब 17वें बाप में आते हैं और हम देखते हैं कि इनकी लड़ाई हो जाती है फिलिस्तीनियों के साथ, और ये फिलिस्तीनियों के साथ लड़ रहे होते हैं और बहुत जबरदस्त इनकी लड़ाई हो रही होती है, और वहां से फिलिस्तीनियों की तरफ से एक बहुत कद्दावर शख्स निकलता है जिसका नाम जाति जूलियत होता है, और वो इसराइलियों को पुकारता है। वो पुकारता है कि अगर तुम में कोई जोरावर है, तुम में कोई मर्द है, तुम में कोई ताकतवर है, आके मेरा मुकाबला करे। और ये जो सारे इसराइली मर्द होते हैं जो बड़े जंगजू होते हैं, जिनमें टॉप ऑफ द लिस्ट सौल होता है जो बड़ा जबरदस्त जंगजू है, और ये सारे जंगजू उधर जो होते हैं उसको देखकर क्या होता है, ये छुप जाते हैं, ये घबरा रहे होते हैं, ये परेशान हो जाते हैं, ये सोच रहे होते हैं कि इसका मुकाबला कौन करेगा, हमारी तरफ से कौन जाएगा। लेकिन जब वहां दाऊद आता है और दाऊद कहता है, ये होता कौन है जो खुदा के लोगों की हकारत करे? और जब दाऊद उसका मुकाबला करता है, दाऊद उसके ऊपर फतह पाता है, उसको जो है मार देता है। और उस लड़ाई के बाद क्या होता है? हाँ जी, लड़ाई के बाद क्या होता है? दाऊद के गीत गाए जाते हैं, दाऊद का एक नाम हो जाता है, दाऊद की क्या कहना चाहिए, पूरे इसराइल के अंदर एक नाम और एक पहचान बन जाती है। जब आपकी जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, परेशानियां आती हैं, बैटल आती है, लड़ाई आती है, और लड़ाई पे आप फतह पाते हैं, तो तब ही आप कामयाब होते हैं। और दाऊद जब उससे लड़ता है तो वो लड़ाई दाऊद की नहीं होती, वो लड़ाई खुदा की है। और ये क्या बात है कि वो फलाखन घुमाता है और डायरेक्ट उसी जगह पे जाकर लगता है जहां उसके क्या कहना चाहिए, कोई शील्ड नहीं होती। इसमें सारा काम, सारा रोल खुदा का है। आप भी अपनी लड़ाई के अंदर उस फलाखन को पकड़ें, उसमें पत्थर डालें और घुमाएं, आपका पत्थर भी दाऊद की तरह वहीं जाकर लगेगा जहां उसने लगना है। हम क्या है, हम लड़ाई के लिए तैयार नहीं होते। हम जिस मुल्क में रहते हैं, हम कहते हैं हम तो मिनोरिटी में हैं, हम तो कुछ भी नहीं, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते, ये मेजॉरिटी में है। मेरे जीजो, आप चाहे मिनोरिटी में हो चाहे मेजॉरिटी में हो, आपका खुदा सबसे अजीम खुदा है। आपका खुदा नामुमकिनात का खुदा है,
आपका खुदा नामुमकिन को मुमकिन करने वाला खुदा है। इस खुदा के लिए जब आप इसके पास आ जाएंगे अपनी लड़ाइयों में, उसको अपने साथ शरीक करेंगे, तो आप अपनी लड़ाइयों में सक्सेसफुल हो जाएंगे, आप कामयाब हो जाएंगे और आपकी जिंदगी बायसे बरकत बन जाएगी। क्यों? उसका कहर जो है दम भर का है और उसका करम उम्र भर का। उसकी फेवर हमेशा हमेशा आपकी जिंदगी के साथ साथ है। और जब उसकी फेवर आपको मिल जाए, जब उसका करम आपके ऊपर हो जाए, तो आप हर एक जगह पर कामयाब होंगे। ये खुदा का कलाम बता रहा है। हम क्या होता है, हम लड़ाई नहीं लड़ते, हम बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। आपने हार नहीं माननी। इस स्टोरी को जब हम देखते हैं, जाति जूलियत वाली और दाऊद वाली स्टोरी को देखते हैं, तो वहां जितने वो कद आवर लोग थे, जितने वो जंगजू लोग थे, उन्होंने हार मान ली थी। और आज इस साल भी बहुत सारे पॉइंट्स के अंदर हमारी जिंदगी भी ऐसी रही है, हम बहुत सारी जगहों पे हार मान लेते हैं। हम कहते हैं खुदा ये मेरे से नहीं हो सकता, खुदा ये काम मैं नहीं कर सकता, खुदा ये मेरे से नहीं होगा। वी आर थिंकिंग अबाउट दिस। हम इस तरह की सोचों को अपने जहन के अंदर लेकर करते रहते हैं और इन द एंड क्या होता है, हम उन्हीं सोचों के अंदर फंस जाते हैं। उन्हीं सोचों की वजह से हम आगे नहीं बढ़ सकते। आपका ब्रेक थ्रू आपके दरवाजे पे खड़ा है। करना क्या है, सिर्फ अपने दरवाजा खोल के उसको रिसीव करना है। और क्या लिखा है, उसका कहर जो है दम भर का है और उसका करम उम्र भर का। शायद रात को रोना पड़े लेकिन सुबह खुशी की नवीद आपको मिलेगी। सुबह होते ही खुशी आपके सामने होगी और वो खुशी यीशु मसीह है। उस खुशी को रिसीव करने के लिए आपको दरवाजे खोलने की जरूरत है। और जब आप अपना दरवाजा उसके लिए खोलेंगे तो वो आपकी जिंदगी को बायसे बरकत बन जाएगी। फर्स्ट क्या करना है, हमें अपने ब्रेक थ्रू के लिए लड़ना पड़ेगा। और जब आप अपने ब्रेक थ्रू के लिए लड़ेंगे तो आपकी जिंदगी बायसे बरकत बन जाएगी। आप दाऊद की स्टोरी को जाके आप पढ़ें कि कैसे वो उस जगह पर आता है और कैसे खुदा फिर उसको ऊपर लेकर जाता है और उसको बायसे बरकत बना देता है। और फिर दाऊद वो बादशाह होता है जो खुदा के दिल के मुआफिक होता है, जो खुदा को पसंद आ जाता है। फिर जब आप अपनी लड़ाई लड़ेंगे तो फिर आप खुदा को पसंद आ जाएंगे, फिर आप बायसे बरकत बन जाएंगे। फिर क्या है, हमने उस मुकाम को देखना है, हमने मुकाम चेक करना है कि कौन से मकाम से हमारा ब्रेक थ्रू आ सकता है। बाज़ का हम मकाम को, मर्तबे को, अपने ओहदे को बड़ा देखते हैं और इस वजह से भी हम अपने ब्रेक थ्रू को नहीं ले सकते। हम अपने रुतबे को देखते रहते हैं कि जी मेरा स्टेटस तो ये है, हुण साडा स्टेटस है अभी, हुण असी थले पईए। एक चीज जो पिछले दिनों में मुझे बहुत फील हुई और खुदा ने मुझे सिखाया, मुझे अपने घर में भी सबज चाय पीना पसंद नहीं, मैं सबज चाय की जगह ब्लैक टी को प्रेफर करता हूँ कि जी चलो कावा ही पिया दो लेकिन सबज ना पियाओ। लेकिन पिछले महीने 17 दिन
मुझे सुबह से लेकर शाम तक कुछ लोगों के साथ बैठ के सबस चाय पीनी पड़ी और बहुत क्या कहना चाहिए, मज़ा आया बाजी। मेरे स्माइल तो तुम अंदाज़ा लगा सकते हो। सो मैंने बहुत इंजॉय की ग्रीन टी, लेकिन मैंने कुछ ना कहा। अभी भी कभी अभी मैं कल रात को एक फैमिली के अंदर था तो मैंने कहा यार चलो चाय नहीं तो ब्लैक टी पिला दें, वो ज़्यादा बेहतर है, मैं कावा पीना पसंद कर लेता हूँ। लेकिन ग्रीन टी, मिसेज मेरी कहना ग्रीन टी भी ख्वाब से भी मैं कहना ध्यान कर कि थे कह दी हैं। सो आई डोंट लाइक ग्रीन टी, लेकिन उस कम्युनिटी के साथ जब मैं था तो मुझे ग्रीन टी भी पीनी पड़ी। हम बाज़गत क्या होते हैं कि हम डिफरेंट एरियाज के अंदर होते हैं, डिफरेंट पोजिशंस पे होते हैं, हम अपनी पोजिशंस का बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन अपने मर्तबे को भी जब आप भूल जाएंगे तो फिर आपकी ज़िंदगी में ब्रेक थ्रू आएगा। और इसकी बहुत सिंपल सी, बहुत सादा सी बातें हैं। मोस्टली मेरा सर्मन सिंपल ही होता है और मैं सादा बातें करना पसंद करता हूँ। तो एक और सिंपल सी एग्जांपल है ज़कई। इसको जब हम देखते हैं लुका की इंजील 19वें बाप में ज़कई की ज़िंदगी को देखते हैं तो ज़कई क्या करता है, यस्सु को देखता है और भागकर यस्सु के को जाकर क्या कहता है, बगलगीर हो जाता है। हाँ जी ऐते ही हो, सो गए हो? हाँ जी मुझे लग रहा है रूथ मुझे गौर से देख रही है, स्माइल पास करती है, उसको भी समझ आ रही है कि क्या करता है। हाँ जी काशिफ पेड़ पे चढ़ जाता है, काशिफ सही कह रहा है। हाँ जी पाजी साहब ठीक है। जब ज़कई की जिंदगी को हम देखते हैं, ज़कई जब यीशु मसीह को देखता है और ये देखता है कि यीशु मसीह आ रहा है, और ज़कई की एक्चुअल पोस्ट क्या होती है, मसूल लेने वालों का ये सरदार होता है। और मैं तस्वीर कह रहा था कि पता नहीं कितनी चौकियां जो होंगी इसके कंट्रोल में होंगी, और जिनका ये सबसे ऊपर है, जिनका ये हेड है, जिनका इसको सरबरा बनाया गया है, और इन सब का ये सरबरा है, और ये सरबरा साहब जो है जब यीशु को देखते हैं तो इनका प्रॉब्लम बताया क्या होता है, ये यीशु को देख क्यों नहीं पा रहे थे, ये छोटे होते हैं, इनका कद छोटा है, और ये बड़ी कोशिश में है कि मैं यीशु को देखूं, मैं यीशु को देखूं। लेकिन इसका जो मर्तबा है, इसका जो ओहदा है, वो काम नहीं आ रहा। यीशु के इर्द गिर्द लोग हैं, यीशु को लोगों ने घेरे हुए हैं, और ये क्या करता है, कोशिश करके एक दरख्त पर चढ़ जाता है। ये दरख्त पर जब चढ़ता है तो अपना मर्तबा नहीं देखता, ये अपना ओहदा नहीं देखता कि मैं तो इतने बड़े ओहदे का बंदा हूं, मैं तो इतना बड़ा बंदा हूं, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। वो देखो मसूल लेने वालों का सरदार दरख्त पर चढ़ गया है, इतना बड़ा आदमी है, यीशु से मिलना चाहता है, ये यीशु से कहे तो ये वैसे मिल सकता है। लेकिन इसने अपने मर्तबे को, इसने अपने ओहदे को खातर में ना रखा, और ये दरख्त पर चढ़ गया, और दरख्त पर चढ़ने से इसकी किससे मुलाकात हो जाती है, मसीह यीशु से। इस साल बहुत सारे लोगों की जिंदगी में इशू यही है कि वो अपने मर्तबे को देखते नहीं, दे नेवर वॉन्ट टू सी जीसस, वो अपनी पोजीशन को देखते हैं, और उस पोजीशन की वजह से ब्रेक थ्रू जो है उनका रुका हुआ है। चर्च, आज सुबह मैं आपको ये कहूंगा, कभी भी अपनी पोजीशन पर गौर ना करें। आपको खुदा ने क्या मर्तबा दिया है, खुदा ने क्या पोजीशन दी है, आप कैसे हैं, कैसे भी हैं, आप खुदा के लिए खास हैं। आप छोटे हैं या बड़े हैं,
आप खुदा के लिए खास हैं। और जब ये शख्स दख पर चढ़ गया है तो इसकी मुलाकात किससे हो जाती है? मसीह यीशु से। अगर ये अपने मर्तबे को देखता, अपने ओहदे को देखता, अपने मकाम को देखता तो ये तो छोटा था, आगे बड़ी भीड़ थी। और यीशु मसीह के प्रोटोकॉल में सबसे पहले तो उनके 12 शागिर्द थे, 12 शागिर्द यीशु को घेरे रहते थे, उसके बाद भीड़ थी, ओ बहुत सारे लोग होते थे यीशु के साथ। और यीशु जब ट्रेवल करते थे तो एक काफला उनके साथ जाता था। यीशु से मिलना और यीशु को देखना इसके लिए आसान नहीं था, लेकिन इसने यीशु को देखने के लिए आसानी पैदा कर ली। और जब हम यीशु को देखने के लिए, यीशु से मिलने के लिए, यीशु के साथ बढ़ने के लिए कोशिश करेंगे तो यीशु हर जगह हमें सक्सेसफुल करेगा, आपकी जिंदगी में ब्रेक थ्रू आएगा, आपकी जिंदगी आगे बढ़ेगी, आपकी जिंदगी में कामयाबी और कामरानी आएगी। अपने मकाम को ना देखें, डोंट सी योर पोजिशन, सिर्फ और सिर्फ यीशु को देखें। और जब यीशु को देखेंगे फिर देखेंगे जिंदगी कैसी होती है। मसला यह है कि हम कहते हैं मैं ते फिर मैं ते फिर बस ही हो जाती है, फिर ते फिर बस ही हो जानी चाहिए। लेकिन इसकी जिंदगी को जाकर देखें, इस एंगल से देखें कि उसने अपनी पोजीशंस को नहीं देखा। और उसके बाद लुका ही में हम देखते हैं शमौन पत्रस को, उसकी जिंदगी को। इसकी जिंदगी भी बड़ी जबरदस्त है। इस गरीब ने सारी रात जाल डाला है और ये जाल डाल के इसने बड़ी मेहनत की है। मेरे हिसाब से फिशिंग के अंदर, मछलियां पकड़ने के अंदर इसने MBA किया हुआ है, MBA की डिग्री। MBA से अगर ऊपर कोई बड़ी डिग्री आ गई है तो इसने हो सकता है वो मास्टर डिग्री भी कर रखी हो। इसको पता है इस वक्त कहां मछली होगी, इसको पता है इस वक्त कहां मछलियां होंगी और ये कैसे मछलियों को पकड़ सकता है। इसने सारी रात जाल डाला और हाथ में बहुत सारी मछलियां आई। हाँ जी, क्या हो गया? जाल खाली है इसके, इसके जाल में मछलियां ही नहीं आई। बंदे ने MBA किया हुआ है मछलियां पकड़ने में और इसका एक नाम है मछलियां पकड़ने में, और गरीब सारी रात जाल डालता है लेकिन इसके जाल में कोई मछली नहीं आती। लेकिन जब इसकी कश्ती के अंदर यीशु आ जाता है, जब इसकी जिंदगी के अंदर यीशु आ जाता है तो यीशु इसको कहते हैं चल मेरे कहने पे जाल डाल। और यीशु इसको कहते हैं सीधी इस तरफ जाल डाल। और अगर मेरी तरह का कोई पाकिस्तानी होता तो उन्हें की यीशु ने कहना सी सबसे पहले, यीशु मसीह पहले ही नींद पूरी नहीं हुई, सारी रात जाल पाए ने, इधर सीधे भी पाए ने, इधर पुट्ठा भी पाया, यीशु जी इधर सामने भी पाया जे, पिछे भी पाया जे, हुन तुसी फिर मैनू कह रहे हो सीधे में जाल डाल? क्या मैं सही सोच रहा हूँ बींग अ पाकिस्तानी? हाँ जी शहरी, सही सोच रहा हूँ? ठीक है। तो ये बात इसकी जिंदगी के अंदर है, लेकिन जब यीशु इसकी कश्ती में आ गया है, जब निजात दहिंदा इसके पास आ गया है, जब बादशाहों का बादशाह इसके पास आ गया है, उसने उसके कहने पर राइट साइड पे जाल डाला और क्या हुआ? उसके जाल मछलियों से भर गए और वो जाल फटने लगे। हम हमेशा अपनी पोजीशंस को देखते हैं, हम अपनी एजुकेशन को देखते हैं, हम अपने तजुर्बे को देखते हैं, हम कहते हैं हम इतने पढ़े लिखे हैं, हमारी ये सोच है। आपको नहीं पता
ये बातें जो है ये खुदा खुदावन यीशु से ये कह सकता था, लेकिन इसने किसकी मानी? यीशु की। और हम किसकी मानते हैं? अपने ब्रेन की। ये ब्रेन और ये दिल जो हिलेबाज है, जब ये यीशु के कंट्रोल में आ जाएगा ना मुकम्मल तौर पर, फिर आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम होंगे, बड़े बड़े काम। फिर आपके जाल फटने लगेंगे, फिर आप मदद के लिए और दूसरे शिगिर्दों को बुलाओगे, फिर आप मदद के लिए और लोगों को बुलाओगे, और फिर आप आपकी जिंदगी में और ज्यादा ब्लेसिंग आएगी। क्या करना है? इसको इस्तेमाल करना है, इसी की सुननी है कि इसकी सुननी है? हाँ, खुदा की। इसने किसकी सुनी? क्या इसने सारी रात जाल नहीं डाला? इसको तो इतना भी पता है कि झील की कौन सी डीप साइड है, झील की कौन सी बेस्ट साइड है, यहां बहुत ज्यादा मछलियां हैं। क्या इसको नहीं पता? ये तो मास्टर है, इसने MBA किया हुआ है, इसके पास, इसको तो फिशिंग में क्या कहना चाहिए, बहुत ज्यादा तजर्बा है। लेकिन किसके कहने पे जाल डाला? यीशु के। चर्च, मैं आज सुबह आपको ये कहूंगा, रिसीव योर ब्रेक थ्रू और यीशु के कहने पर जाल डालें। मुश्किलें होंगी, परेशानियां होंगी, लेकिन कामयाबी जरूर है। हम मुश्किलों को, परेशानियों को देख के घबरा जाते हैं, हम दूसरों की कामयाबी के ऊपर गौर करते रहते हैं। हमें दूसरों को देखना है, लेकिन हमने आगे बढ़ना है। और जब आप अपनी पोजीशन को, अपने मर्तबे को, अपने ओहदे को नहीं देखेंगे, तो फिर खुदा का कलाम आपकी जिंदगी में पूरा होता हुआ नजर आएगा। उस औरत को याद करें जिसके 12 वर्ष से खून जारी था। उस औरत ने अपना सारा माल जो है वो लुटा दिया है। पता नहीं कहां कहां से उसने ट्रीटमेंट की है, पता नहीं कौन कौन से मॉलेज के पास गई है, वो एलोपैथिक के पास गई है, होम्योपैथिक के पास गई है, तिब वालों के पास गई है, पता नहीं उसने कहां कहां से तंत्र मंत्र जंतर पता नहीं क्या कुछ उसने किया है, लेकिन सेहत याब नहीं हुई। और जब वो यीशु की तरफ बढ़ रही है और यीशु के इर्द गिर्द एक जबरदस्त क्या कहना चाहिए लोग होते थे, और जब हम आज के दौर में लोगों को तस्वीर करें तो लोगों के इर्द गिर्द एक सिक्योरिटी का हिसार होता है, उस सिक्योरिटी के हिसार को कोई अबूर नहीं कर सकता, तो माइट बी पॉसिबल है कि जो यीशु के शिगिर्द हैं वो भी इसी तरह यीशु के गिर्द हों और यीशु को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि यहूदियों की तरफ से यीशु को जो है वो थ्रेट्स भी थी, क्योंकि यीशु मसीह जैसे कलाम सुनाते थे, यीशु मसीह जैसे काम करते थे, तो वो उसको घेरे हुए हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। और ये औरत नीचे जमीन पर गिर गई है, पता नहीं कितने पांव को इसने हाथ लगाया है, कितने वहां इसने पतरस के पांव को हाथ लगाया है, इंद्रियास के पांव को हाथ लगाया है, और भी यहूदा अक्सर युति के पांव को हाथ लगाया, कितने शिगिर्दों के पांव को हाथ लगा के ये आगे जा रही है। और जैसे ही इसने यीशु के पांव को और उसकी पेशाब को छुआ है, तो उसके लिए शिफा निकली है। मसला बताया क्या है? हम इधर उधर पांव को हाथ लगाते रहते हैं, हम पड़ोसियों के पांव को हाथ लगाते रहते हैं, हम कहते हैं इन्ना नु खुदा ने बनाया है, इन्ना दी प्रस्तिश करना भी ठीक है, हम उनके पांव को हाथ क्यों लगाएं?
जब इसने यीशु के पांव को हाथ लगाया है तो वहां से क्या निकली है? कुदरत निकली है, शिफा निकली है, और उससे वो सेहत याब हो गई है। मैं इस औरत के बारे में जब सोच रहा था कि जरूर ये बड़ी मालदार औरत होगी, जो इसने अपना सारा माल जो है इसने इधर उधर लुटा दिया है, और इसने अपनी पोजीशन को नहीं देख रही, और ये सारे लोगों के पांव में गिरी हुई और यीशु तक पहुंची है और इसकी जो है जिंदगी बदल गई है। हम क्या करते हैं? हम सिर्फ अपनी पोजीशन को देखते रहते हैं। हम क्या करते हैं? हम अपनी अपने मर्तबे को देखते रहते हैं और उसकी वजह से हम अपनी बरकत को खो देते हैं। हम वापस अपनी वर्स मेन वर्स के ऊपर दोबारा आएंगे और उसके बाद हम दुआ की तरफ बढ़ेंगे। अब एक और बात, यीशु मसीह की जब जिंदगी को हम देखते हैं, यीशु मसीह को कितनी दफा उन्होंने कोशिश किया कि इसको मार दें। यीशु मसीह को वो कहीं भी यहूदी जो हैं वो मार सकते थे, लेकिन यीशु मसीह अपने आप को उस मकाम पर लेकर गया जिस मकाम के लिए खुदा ने उसको तैयार किया था। हम क्या करते हैं? हम अपने आप को उस मकाम पर नहीं लेकर जाते जिसके लिए यीशु मसीह हमें तैयार कर रहे हैं। हम उस मकाम की तरफ देखते नहीं, और यीशु मसीह उस मकाम के लिए तैयार हुए, कोहे कलवरी के लिए तैयार हुए, जिस मकाम के लिए उनको तैयार किया गया था। और जब यीशु मसीह उस मकाम पर आ गए तो उसने अपना लहू बहाकर हम सबको बचा लिया। और जब आप यीशु मसीह की तरह सोचेंगे, यीशु मसीह की तरह काम करने की कोशिश करेंगे, तो फिर खुदा आपको बाइस से बरकत बना देगा। फिर आप हर जगह सक्सेसफुल होंगे, फिर आप हर जगह कामयाब होंगे, फिर नाकामी आपकी जिंदगी में नहीं होगी, बल्कि कामयाबी और कामयाबी आपकी जिंदगी में होगी और आपकी जिंदगी बाय से बरकत बन जाएगी। मेरे नोट्स में कुछ और भी है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि मेरी ये कोशिश होती है कि मैक्सिमम 30 मिनट इज इनफ, सो वी कैन वाइंड अप आवर मैसेज, और हम अपनी मेन वर्ड्स के ऊपर दोबारा आएंगे और उसके बाद दुआ करेंगे। यहाँ लिखा है, उसका कहर दम भर का है और उसका कर्म उम्र भर का। आज मैं आपको ये बता देता हूं, उसका कहर जो है आपके लिए दम भर का है। उसके कहर के ऊपर गौर ना करें, बल्कि उसकी उस फेवर के लिए जो उम्र भर आपके साथ साथ रहेगी, उसके ऊपर गौर करें। शायद आपको रोना पड़े, लेकिन सुबह आपके लिए खुशी की नवीद है। चर्च, यीशु मसीह की खुशी की नवीद आपके लिए यही है कि अपने आप को अगले साल के लिए तैयार कर लें, अगले साल में अपने आप को रेडी कर लें कि आप यीशु को कैसे सर्व करेंगे, आप कैसे यीशु के लिए बाय से बरकत बनेंगे और